तो हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा था पदार्थों का वर्गीकरण, क्योंकि अब यहाँ जो पदार्थ की बात आएगी, एक पदार्थ होगा जिसका नाम होगा परावैद्युत। क्या मेरे हीरो? परावैद्युत, ठीक है। तो हम परावैद्युत कल सिखा दिए थे और यहाँ यूज होने वाला है, इसलिए मैं पहले बात कर दिया परावैद्युत। अंग्रेजी बोलते हो डाई इलेक्ट्रिक। अब हमें पढ़ना है, अब सुनिए, अब हम लोग का फिजिक्स शुरू हो गया है। कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र। तो पहली बात सुन लीजिए, पहली बात अच्छे सुनिए मैं जो बताना चाहता हूँ। क्या सर? कूलाम का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या बाबू? कूलाम का नियम मतलब कूलम्स ला। कूलाम का नियम या कूलम्स ला, COULOMB ला, कूलम्स ला, कूलम्स ला, कूलाम का नियम। तो एक बात आप सुन लो, इलेक्ट्रिक में जो पढ़ोगे, सुन लीजिए पहले ध्यान से, इलेक्ट्रिक में जो आप लोग पढ़ोगे, और जब हम आवेश की बात करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जितना भी आप फार्मूला इलेक्ट्रिक में पढ़ोगे, ठीक, तो ध्यान सुनिएगा, मैं आवेश बोलूंगा, वैद्युत आवेश, मैं बोलूंगा वैद्युत आवेश। अब मैंने कहा विद्युत नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं कोशिश करूंगा कि पहले चैप्टर में AI III तक का जितना भी सवाल आज तक का आया है, मैं सब इसको अप टू द लेवल ऑफ JEE एडवांस तक पढ़ा दूंगा, ये पहला चैप्टर केवल। क्लियर? देखना कितना जोर मुझ पर पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा उसको सिखाने के लिए, पर मैं सिखाऊंगा आपको, घबराइएगा मत। पहला चैप्टर है ना, अच्छी सिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक चार्ज सुनिए ध्यान से, तो मैं जब वैद्युत आवेश बोला जाएगा, तो वह आवेश बहुत बड़ा नहीं होता है, वह आवेश हम जो लेते हैं वो बहुत छोटा होता है, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। क्लियर? तो एक बात सुन लो, जितना भी फार्मूला आप लोग पढ़ोगे, उसमें जो आवेश होगा, उस फार्मूले में जो आवेश होता है, वह आवेश बहुत क्या होता है? छोटा। आवेश छोटा होने का मतलब आवेश का मान बहुत कम होता है, जिसे हम कौन चार्ज कहते हैं? पॉइंट चार्ज। हिंदी में पॉइंट को बिंदु, चार्ज को आवेश। तो कैसा आवेश? बिंदु आवेश। तो पहले मेरी बात अच्छे सुनो, जितना भी फार्मूला पढ़ोगे, उसमें जो हम चार्ज लेते हैं, वह चार्ज कैसा होता है? पॉइंट चार्ज। मतलब बिंदु आवेश कहने का मतलब उस आवेश का मान बहुत क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो मैं हमेशा क्या नाम लेने वाला हूँ? आवेश नहीं, बिंदु आवेश। अब मैंने कहा था इलेक्ट्रिक को दो पार्ट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो पहला 3 चैप्टर क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अर्थात यह आवेश किस अवस्था में रहेगा? स्थिर अवस्था में रहेगा, अतः इसको हम क्या बोलेंगे? स्थिर बिंदु आवेश। क्या बोलेंगे? स्थिर बिंदु आवेश। तो मैं जो सिखाना चाहता हूँ सिखा पाया, कि आप जब कभी भी सवाल लगाएंगे, मान लो खूब बड़ा चार्ज दे दिया, मतलब आवेश का मान बहुत बड़ा है, तो उस आवेश को आप पहले तोड़ेंगे किस भाग में? छोटे भाग में, पॉइंट चार्ज में तोड़ेंगे। पॉइंट चार्ज मतलब उस जो बड़ा आवेश है, मतलब उस आवेश का मान बहुत बड़ा है, तो हम उस आवेश का मान, उस आवेश को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, मतलब उस आवेश के मान को पहले छोटा करेंगे, फिर सवाल लगाया जाएगा।
इसका मतलब हुआ कि हम आगे से जब भी बोलेंगे आवेश नहीं बोलेंगे, मैं क्या बोलूँगा, बिंदु आवेश। और शुरू के 3 चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वह आवेश किस अवस्था में होगा, स्थिर अवस्था में, अर्थात जो भी हम बात करेंगे किस आवेश की बात करेंगे, स्थिर बिंदु आवेश की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, स्थिर बिंदु आवेश की बात करेंगे। क्लियर? तो आप लोग आवेश नहीं, अब कहीं भी आवेश नहीं लिखना, आप हमेशा क्या लिखोगे, बिंदु आवेश। सिखा दिए? आप कहीं भी आवेश लिखोगे मेरे हीरो, क्या लिखोगे सर, बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। अब कैसा रहेगा, स्थिर। कैसा रहेगा, स्थिर, मतलब आप देखना आगे बड़ा बड़ा चार्ज देगा। सुनिए, आगे देगा खूब बड़ा बड़ा चार्ज कि एक आवेश क्यों है, इस आवेश क्यों के कारण, मैं इसे बाबू बड़ा आवेश है तो मैं इसे तोड़ दूंगा छोटे आवेश में, जिसे हम क्या कहते हैं, डी क्यू। मैं सिखा ना, डी क्यू मतलब क्या होता है, एकदम छोटा आवेश। क्लियर? तो आप एक बार सुन लीजिएगा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, बस मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी आवेश की बात करेंगे तो कैसा आवेश होगा, पॉइंट चार्ज होगा, मतलब बिंदु आवेश होगा। बिंदु आवेश का मतलब उस आवेश का मान बहुत कम होगा, माइक्रो कूलाम में होगा, नैनो कूलाम में होगा, पीको कूलाम में होगा। क्लियर? मतलब उसका मान एकदम छोटा सा होगा। क्लियर? तो हम जब कूलाम का नियम लिखवाएंगे तो मैं बोलूँगा दो आवेशों के बीच, तो दो अगर तुम बोल लोगे दो आवेशों के बीच तो आपका परिभाषा सही नहीं माना जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा कैसा आवेश, बिंदु आवेश, और कैसे रहेंगे, स्थिर बिंदु आवेश। तो पहले चलिए, तो हम लोग पहला डाल लीजिए हेडिंग कूलाम का नियम। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, कूलाम का नियम। अंग्रेजी में क्या बोलते हो, कूलम्स लॉ। अंग्रेजी में क्या बोलते हो, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। अंग्रेजी में क्या बोलते हो, कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम। डाल लो बाबू, अब सिखाते हैं, ध्यान सुनिएगा। कूलाम का नियम क्या बताता है, सुन लीजिए, कूलाम का नियम क्या बताता है, तो सुन लो, कूलाम का नियम बताता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताता है। इधर उधर ध्यान सुनिए, लिखना नहीं, जब कहूँगा तब लिखना। कूलाम का नियम क्या मेरे हीरो, कूलाम का नियम क्या बताता है, तो क्या कहोगे, कूलाम का नियम दो कैसे आवेश, बिंदु आवेश, और कैसा होना चाहिए, गति की अवस्था में, स्थिर अवस्था में। तो कोई पूछे कूलाम का नियम क्या बताता है, तो आप क्या क्या जवाब दोगे, तो बोलोगे कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताता है, विद्युत नहीं, वैद्युत बल के बारे में बताता है। क्लियर? बात सिखा दिए, फिर से बोलिए सर क्या, कूलाम का नियम किसके बारे में बताता है, तो क्या जवाब दोगे, कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के बारे में बताता है। बिंदु आवेश का क्या मतलब हुआ, आवेश का मान बहुत छोटा है। तो मान लेते हैं, देखो आप लोग जब कूलाम का नियम लिखेंगे मेरे हीरो, क्या मैंने बोला, जब आप लोग कूलाम का नियम लिखेंगे तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे। क्लियर? फिगर कैसे बनाओगे, कितने बिंदु आवेश होंगे, दो बिंदु आवेश होंगे। तो पहला बिंदु आवेश का मान क्या हो गया, Q1। पहला बिंदु आवेश कौन हो गया, Q1। दूसरा बिंदु आवेश कौन हो गया, Q2। तो कितने बिंदु आवेश हो गए, दो।
कैसे हैं, दौड़ रहे हैं? तो कहोगे नहीं सर, स्थिर अवस्था में है। और इनके बीच की दूरी आर है, स्मॉल आर, आर फॉर रानी मुखर्जी। दो स्थिर बिंदु आवेश है और दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर, स्मॉल आर। अब सुनिएगा, Q1 वाला Q2 पे बल लगाएगा और Q2 वाला Q1 पर बल लगाएगा, अर्थात दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। ऐसा नहीं है Q1 वाला Q2 पर बल लगाएगा तो Q2 वाला Q1 में बल नहीं लगाएगा। एक बात ध्यान सुनो, Q1 वाला जितना बल Q2 पर लगाएगा, Q2 वाला उतना ही बल Q1 पर लगाएगा। क्लियर? मतलब दोनों आवेश एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, बल। अगर Q1 वाला F बल लगा रहा है तो Q2 वाला भी Q1 पर कितना बल लगाएगा, F। न कोई ज़्यादा लगाता है न कोई कम लगाता है। यूपी बोर्ड का पहला सवाल देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। ठीक, बस अभी गुलाम का नियम नहीं पढ़े, बस थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़े। क्लियर? फिर से बात करते हैं, गुलाम का नियम क्या बताता है, तो क्या बोलोगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताता है। क्लियर? अगला, Q1 वाला जितना बल Q2 पर लगाएगा, Q2 वाला उतना ही बल Q1 पर लगाएगा। यदि Q1 वाला Q2 पर, Q1 वाला ध्यान से, Q1 वाला Q2 पर कितना बल लगाया, F1। Q2 वाला Q1 पर कितना बल लगाया, F2। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन बताइएगा आप लोग कौन सही है। पहला, F1 बड़ा है F2 से। दूसरा, F1 छोटा है F2 से। तीसरा, F1 और F2 आपस में बराबर नहीं है। चौथा, F1 और F2 आपस में बराबर हैं। तो कौन सही होगा, तो बोलोगे सर Q1 वाला जितना बल Q2 पर लगाता है, Q2 वाला Q1 पर उतना ही बल लगाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं। अतः कौन ऑप्शन सही है, F1 बराबर F2। कैसा लगा? अभी देखिए, अभी गुलाम का नियम नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आधा सवाल यूपी बोर्ड का हल हो जाने वाला है। अगला पूछा था Q1 वाला, Q1 ना बोल के ऐसे बोला था कि एक आवेश दूसरे आवेश पर F1 बल लगाता है, दूसरा आवेश पहले आवेश पर F2 बल लगाता है, तो F1 अपान F2 का मान बताइए। समझा पाए सवाल क्या, Q1 वाला Q2 पर F1 बल लगाता है, Q2 वाला Q1 पर F2 बल लगाता है, तो F1 अपान F2 का मान बताइए। क्लियर? अब लेकिन वो हिंदी में कैसे लिखा था, वो लिखा था दो आवेश Q1 तथा Q2 हैं तथा उनके बीच की दूरी R है, एक आवेश दूसरे आवेश पर F1 बल लगाता है और दूसरा आवेश पहले आवेश पर F2 बल लगाता है, तो F1 अपान F2 का मान बताइए। पहला, एक से अधिक, दूसरा एक से कम, तीसरा एक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सही होगा,
तीसरा कंफर्म क्यों, एफ वन अपान एफ टू क्या बताना है, मान बताना है ना, तो एफ वन अपान एफ टू का मान बताना है, तब पता है एफ वन और एफ टू आपस में क्या है, बराबर है, अर्थात जहाँ एफ टू है मैं क्या लिख सकता हूँ एफ वन, तो एफ वन अपान एफ वन क्या हो गया कैंसिल, कितना आ गया वन, आंसर कौन हो गया वन। तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया और ये आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन हो गया कूलाम के नियम पर। इसको वीडियो पॉज करके क्या करेंगे, लिख लेंगे, क्या करेंगे लिख लेंगे, क्लियर, सिखा दिए, आगे बढ़ा जाए। अब चलिए, अब हमको पढ़ना क्या है, कूलाम का नियम, इतना सीख लिए, चलिए आगे बात करते हैं। मतलब जितना बल Q1 लगाएगा उतना बल Q2 लगाएगा, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। तो कूलाम का नियम सुन लीजिए, कूलाम का नियम कैसे लिखा जाएगा वह देखिए, सबसे पहले क्या बनाओगे फिगर, कितने बिंदु आवेश होंगे, दो बिंदु आवेश होंगे, एक का नाम क्या है Q1, दूसरे का नाम क्या है Q2, दोनों के बीच दूरी कितनी है R, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे बल, ज़्यादा कि कम बराबर, न कोई ज़्यादा न कोई कम, तो दोनों के बीच लगने वाला कौन सा बल, वैद्युत बल, कौन सा बल, दोनों के बीच कैसा बल, वैद्युत बल, Q1 Q2 पर भी मैंने कहा Q1 जितना बल Q1 लगाएगा उतना बल Q2 लगाएगा, तो मान लेते हैं माना दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं F, क्लियर, माना दोनों एक दूसरे पर कितना बल लगा रहे हैं हीरो F, क्लियर। तो सुन लीजिए, आप सुनिए, किन्नी, किन्नी मतलब कोई, स्थिर गतिक अवस्था में है स्थिर, तो किन्नी दो स्थिर, कैसा आवेश, आवेश बोलोगे बिंदु आवेश बोलोगे, बिंदु आवेश, जितना भी पढ़ोगे कैसा आवेश होगा बिंदु आवेश, तो किन्नी दो, ध्यान से, किन्नी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या किन्नी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, क्या मेरे हीरो, किन्नी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, दोनों आवेशों के, क्या मैंने बोला, दोनों आवेशों के परिमाणों के, मैंने क्या बोला परिमाण, आवेश का चिन्ह प्लस भी हो सकता है, आवेश का चिन्ह माइनस भी हो सकता है, तो हमें चिन्ह से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके मान से मतलब है, हमें सिर्फ उसके मान से मतलब है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला कैसा बल, वैद्युत बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, आवेशों का नहीं, आवेशों के परिमाणों के, परिमाण समझते हो, आवेशों के मानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बोल दो मेरे साथ, बोलिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, दोनों आवेशों के परिमाणों के, परिमाण मतलब आवेशों के मानों के, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, क्या, तथा उनके बीच की दूरी, ध्यान से, तथा उनके बीच की दूरी, दूरी मतलब क्या बाबू आर, तथा उनके बीच की दूरी के, दूरी क्या होगा वर्ग, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ध्यान से, बल ऊपर है, बल क्या है ऊपर है, आर क्या है दूरी, दूरी क्या है नीचे है,
तो एक ऊपर है और एक नीचे है, उसे क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा। अगर एक ऊपर है दूसरा नीचे है तो हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और सुन लो, लिखा कैसे जाता है यह सुन लो मेरे हीरो, कैसे परिभाषा लिखा जाता है यूपी बोर्ड में। ठीक, मैंने क्या बोला? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, क्या मैंने बोला? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, क्लियर? तो आवेशों सुन लो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, तो आवेश कौन कौन सा है? Q1 और Q2। तो आप यहीं लिख दोगे Q1 और Q2, समझे? अभी लिखवा नहीं रहे परिभाषा जी, समझा रहे, लिखवाएंगे परिभाषा, तुम बकलो लो। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, तो बिंदु आवेशों तो आवेश कौन कौन है? Q1 तथा Q2 के बीच कार्यरत वैद्युत बल, के बीच कार्यरत कैसा बल? वैद्युत बल। तो बल आ गया, बल को क्यों दिखाते हो? F से। तो बल के आगे क्या लिख दोगे? F। ऐसे परिभाषा लिखते हैं, मैं जो सिखा रहा हूँ वैसे लिखना है, ऐसा नहीं किताब में से लिखा वैसा नहीं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, तो बिंदु आवेशों अगर लिख दिए तो उसके आगे क्या लिखो सर? Q1 और Q2 के बीच कार्यरत वैद्युत बल, उसका कितना क्या होगा सर? F कामा उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के, तथा उनके बीच की दूरी, और दूरी को किससे दिखाया गया है बोलो? R से। तो दूरी क्या के लिए सर? R, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब लिखो कूलाम का नियम, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, अब बताओ बिंदु आवेशों के आगे क्या लिखोगे ब्रैकेट में?